वचन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2013 टीजीटी बायोलॉजी का कट ऑफ हम ओबीसी जाति का निकाल रहे हैं 400 बालक वर्ग में 415.7064 अपन 500 था तो 415.7064 को बांटा है रिटर्न होता है 425 का 50 का होता है इंटरव्यू 25 का होता है हायर क्वालिफिकेशन। तो हमने देखा 105 क्वेश्चन पे 357 मार्क बनते हैं 106 पे 360.4 बनते हैं 107 पर 363.8 बनते हैं 108 पर बनते हैं 367.2 108 क्वेश्चन से पॉसिबिलिटी बनती है 367.2 अगर 5 नंबर बीएड के हमेशा सभी को मिलेंगे बीएड मस्त होता है। इंटरव्यू में अगर ये 40 नंबर पाते हैं तो 312.2 बन जा रहे हैं इस पर नोट सेलेक्ट हो रहा है और 45-44 नंबर पाते हैं तो सेलेक्ट हो जा रहा है 108 पे। हाईएस्ट मार्क जो है इंटरव्यू में 45 दिए गए हैं उससे ज़्यादा किसी को नहीं दिए गए हैं 50 में से और मिनिमम 20 नंबर या 22 और जो क्वेश्चन ठीक ठाक बता ले जाते हैं 35 से 38 40 तक मिल जाते हैं। 108 क्वेश्चन पे अगर इंटरव्यू में 44 है तभी मिल हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। 109 पे अगर इंटरव्यू में 41 मार्क हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन 110 पे 40 है तो हो जाएगा सिलेक्शन यानी कि 110 क्वेश्चन तक भी अगर 20 नंबर 22 नंबर पा गए तो सिलेक्शन नहीं होगा ओबीसी कैटेगरी में भी यानी कि 110 के बाद पॉसिबिलिटी बनती है या फिर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस हो या इंटरव्यू में अच्छे नंबर पा जाए वो जैसे आप पाए ठीक है। तो 110 के बाद 111-112 क्वेश्चन पे पॉसिबिलिटी बन के आती है। जनरल कैटेगरी के लिए हम बायोलॉजी के लिए टीजीटी ये कह रहे हैं कि जनरल 115 से अबव हो 15 के आसपास हो 15-16-17 फ्रेशली होने के चांसेस हैं और ओबीसी 110 के बाद 112 के बाद 12 से 15 के बीच में ओबीसी का चांसेस ज़्यादा होता है और ऐसे कैटेगरी 107-108 क्वेश्चन से बेटर रहेगा। 107-108 क्वेश्चन काफ़ी कम है उनका 393 है 393 8 क्वेश्चन से उनका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे हो तो एससी वाले 105 से भी हो जाएगा 104-105 से हो जाएगा है ना। और ओबीसी ये जो है एचएच वाला ये भी काफ़ी मेरिट गया है इनका भी बीएचबी काफ़ी गया है भूतपूर्व सैनिक बहुत ही कम है तो इनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का मार्किंग बनाया जा सकता है। और जनरल ओबीसी बना दिया एससी भी ऐसे इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा एससी का मतलब वही 105 क्वेश्चन बेटर रहेगा 105 के अभाव ओबीसी 112 के अभाव जनरल 115 के अभाव ज़्यादा बेटर रहेगा सिलेक्शन के लिए।